हेलो स्टूडेंट, आज हम हाउस फ्लाई की बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सैंड फ्लाई के बारे में पढ़ा, उसके द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। हाउस फ्लाई, जिनका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, हमें पता है ये सब इंसेक्ट क्लास से बिलोंग करते हैं और एंडोटेरिगोटा है। इनके जो विंग्स होते हैं वो इंटरनली डेवलप होते हैं। डाइप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फैमिली जो है मसीडेई जो है वो हाउस फ्लाई एक मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है इस प्लैनेट के ऊपर, और वो ब्रीड और फीड इन फिल्थ इंक्लूडिंग गार्बेजेस, फीसिस और रोटिंग और स्पॉइल्ड फूड के ऊपर जो है ये फीड भी लेते हैं और ब्रीड भी करते हैं। हाउस फ्लाई की जो इन्फेस्टेशन है वो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी जहाँ पर पुअर सैनिटेशन है, डैमेज स्क्रीन है, अनसील्ड क्रैक्स हैं इन विंडोज़ एंड डोर, जहाँ पर हाउस फ्लाई जो है ब्रीड कर सकती है, अपने एग ले जो है वो कर लेती है। एक्सटर्नल फीचर में आप देखेंगे कि हाउस फ्लाई 6 mm लेंथ की है, डार्क ग्रे कलर की होती है डोर्सली। वेंट्रली आप देखेंगे तो ये येलोइश टिंक कलर जो होता है। अदर फ्लाइज से अगर इनको हम डिस्टिंग्विश करें तो इनके जो थॉरेक्स रीजन के ऊपर आप देखेंगे 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो दिखाई देती हैं, और इसी तरह से एक ब्लैक बैंड होता है एब्डोमन के ऊपर जो कि अदर फ्लाइज के अंदर देखने को नहीं मिलता। बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन लाइक ऑल इंसेक्ट। हेड बियर 2 कंपाउंड आइज, 3 ओसिलाइज एंड 2 एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीनी। माउथ पार्ट स्पंजिंग टाइप के होते हैं, अडेप्ट टू सक लिक्विड फूड। लिक्विड फूड को जो है वो स्पंजिंग टाइप से सक कर लेते हैं। कोई भी सॉलिड फूड भी है तो वो क्या करते हैं, स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, सॉलिड फूड को लिक्विफाई कर देते हैं और फिर उसको स्पंजिंग फॉर्म में जो है वो सक कर लेते हैं। थोरेक्स में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। मीजोथोरेक्स पे 1 पेयर ऑफ ब्रॉड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं ड्रम स्टिक शेप स्ट्रक्चर में, जिनको हॉल्टर बोल देते हैं। ये इनके ऊपर कहता है सेंस ऑर्गन भी होते हैं और ये फ्लाइट के टाइम पे बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है, और जब ये फ्लाइट करते हैं फ्लाइंग के टाइम पे एक बजिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू दीज हल्टर्स। एब्डोमन के 8 सेगमेंट्स होते हैं इन मेल के अंदर, फीमेल में एब्डोमन के 9 सेगमेंट होते हैं। लास्ट 4 सेगमेंट जो होते हैं वो जेनाइटल पाउच के लिए होते हैं, जिसमें एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इन मेल के अंदर, एंड ट्यूबुलर और रिट्रैक्टाइल जो ओविपोजिटर है फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटायर बॉडी जो है हाउस फ्लाई की वो हेयर के द्वारा कवर्ड रहती है। लाइफ साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जिसमें एग, लार्वी जिनको हम मैगट्स बोल देते हैं, प्यूपल और अडल्ट स्टेज से होकर गुजरती है। होलो मेटाबोलस होते हैं ये। वार्म समर कंडीशन के अंदर, जो कि ऑप्टिमम कंडीशन मानी जाती है इनके अंदर, जहाँ पर हाउस फ्लाई की डेवलपमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है, और ये ऐसे इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ साइकिल को 7 to 10 days में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा सब ऑप्टिमल कंडीशन रहती हैं, या कोई भी कम हो, टेम्परेचर कम हो, ह्यूमिडिटी कम हो, तो उस केस में लाइफ साइकिल जो है वो एक्सटेंड हो जाती है अप टू 2 months तक। आप ये देखेंगे 7 से 10 दिन में जो साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं वो 2 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकती है, अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो नहीं मिलता।
एनुअली टेम्परेट रीजन के अंदर ये 10 से 12 जनरेशन जो हैं वो कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर ये सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर वार्म समर कंडीशन उनको अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर ये 20 जनरेशन कर सकते हैं एनुअली। तो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट जो है इनकी लाइफ साइकिल पे आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइफ साइकिल है कि अडल्ट जो है वो 2 डेज से 23 डेज के बीच के एग ले करती है, फिर वो एग जो है 8 to 30 hours के बीच में लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 to 14 days में वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्यूपा जो है वो 3 to 10 days में वहाँ से अडल्ट जो है इमर्ज आउट हो जाता है। ये एक हाउसफ्लाई की सिंपल सी लाइफ साइकिल का वर्कशीट है। एग जो है वाइट कलर के होते हैं, 1 to 2 mm लेंथ के होते हैं, और सिंगली जो है वो ले करती है फीमेल, और पाइल्ड में होती है स्टैकिंग, एक के ऊपर एक जो है इस तरह से स्टैकिंग फॉर्म में जो है वो ग्रुप में ले करती है। एक फीमेल फ्लाई जो है वो 3 to 4 days में 500 eggs जो है वो ले कर सकती हैं, और ऑफ बैचेस ऑफ 50 to 60 इन पाइल्स में। नंबर ऑफ eggs प्रोड्यूस जो है वो डिपेंड करता है फीमेल के साइज़ के ऊपर, और वो प्रिंसिपली द रिज़ल्ट ऑफ लार्वल न्यूट्रिशन, की लार्वे के स्टेज में कैसा न्यूट्रिशन मिला था उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज़ जो है वो कैसा होगा फीमेल का, और वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लेग्स जो है वो ले कर सकती है। लार्वे जो है 3 to 9 mm लॉन्ग होता है, क्रीमी वाइटिश कलर का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और टैपरिंग टुवर्ड्स द हेड, हेड की तरफ जो है उसकी टैपरिंग ज़्यादा होती है। हेड जो है उसके ऊपर डार्क हुक्स, अ पेयर ऑफ डार्क हुक्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर स्पाइरेकल्स आर स्लाइटली रेज्ड, स्पाइरेकल जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो कहता है जो पोस्टीरियर साइड के अंदर स्पाइरेकल्स हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, और उनकी ओपनिंग जो होती है वो स्लिट फॉर्म में होती है, उनके चारों तरफ जो है ओवल ब्लैक बॉर्डर बना हुआ होता है। मैगेट्स जो एमर्ज आउट होते हैं एगलेस होते हैं, वार्म वेदर के अंदर वो 8 to 20 hours के अंदर जो है इमर्ज आउट हो जाते हैं। मैगेट इमीडिएटली जो है वो फीड करना शुरू कर देते हैं, एंड डेवलपिंग इन द मटीरियल इन विच एग वाज लेड, यानी कि एग का जो मटीरियल है जिसके अंदर वो लार्वी प्रेजेंट थे उसके ऊपर जो है वो फीड करना शुरू कर देते हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। लार्वी 3 instar मोल्टिंग से गुजरती है, जिसमें फुल ग्रोन मैगेट जो है वो 7 to 12 mm लॉन्ग होता है, थोड़ा ग्रीसी होता है, क्रीम कलर का अपियरेंस होता है। हाई मॉइस्चर मैन्योर जो है उनके लार्वी के सर्वाइवल को के लिए वो फेवर करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो लार्वा का डेवलपमेंट का है वो 32 to 38, और एग्जैक्ट अगर हम कहें अगर 32 डिग्री टेम्परेचर उनको मिलता है तो वो फेवरेबल कंडीशन रहती है और मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। लार्वा जो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है 4 to 13 days के बीच में अंडर ऑप्टिमल कंडीशन में। मैगेट जब फुल ग्रोन हो जाते हैं वो क्रॉल अप टू 50 feet टू ए ड्राई कूल प्लेस नियर ब्रीडिंग मटीरियल एंड ट्रांसफर टू प्यूपल से। यहाँ पर जैसे ही वो फुल ग्रोन होते हैं वो क्रॉल कर जाते हैं ड्राई कूल प्लेस में, और वहाँ पर वो प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। प्यूपा स्टेज जो होती है वो प्यूपा जो है 8 mm लॉन्ग होता है, और प्यूपल केस से में पास्ट इन द कवर्ड होता है। प्यूपा जो है वो ब्लंटली राउंडेड होता है, दोनों एंड से जो है वो ब्लंटली राउंडेड होता है। प्यूपे अपना डेवलपमेंट जो है कंप्लीट कर लेता है 2 to 6 days में, और वही टेम्परेचर 32 to 37 degrees टेम्परेचर रहता है जिसमें उसको 2 to 6 days लगते हैं अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में। प्यूपल केस से जब फ्लाई इमर्ज आउट होती है तो वो क्या करती है,
सैक है, अल्टरनेटिव स्वेलिंग और श्रिंकिंग सैक, जिसको हम टीलिनियम, जो कि आप देखेंगे हेड के ऊपर थोरेक्स का जो टॉप मोस्ट हेड के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, वहाँ से जो है वो एस्केप आउट होती हैं और एक वैसे ही हैमर की तरह काम करती है, जो कि केस को ब्रेक डाउन कर देती है। अडल्ट फ्लाई जो होती है 6 to 7 mm लॉन्ग होती है। फीमेल जो है वो लार्ज होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। फीमेल को जो आईज जो होती हैं वो कहते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, लेकिन मेल के अंदर वो स्पेस जो है कम होता है, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करती हैं। हेड अडल्ट फ्लाई का रेडिश आई एंड स्पंजिंग माउथ पर प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर। अडल्ट 15 to 25 days की लाइफ रहती है उनकी, और ये 2 months तक भी एक्सटेंड हो सकती है। दे सर्वाइव ओनली 2 to 3 days विदाउट फूड। अगर इनको फूड ना मिले, ये 2 to 3 days तक सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज ये 2 months तक भी अपने आप को लाइव रख सकते हैं। हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल वेक्टर का काम करते हैं। हम जानते हैं मैकेनिकल वेक्टर इन्फेक्शियस एजेंट को पिक करते हैं अपनी बॉडी पार्ट से, आउटर बॉडी पार्ट, चाहे लेग्स हों चाहे विंग्स हों, ठीक है, तो उस या माउथ पार्ट्स होते हैं उनके साथ जो है वो उस वेक्टर को, सॉरी उस एजेंट को जो है ट्रांसमिट कर देते हैं इन्हें पैसिव मैनर से। कॉमन हाउस फ्लाई जो है मैकेनिकल वेक्टर होती हैं बहुत सारे पैथोजन की, जिसमें पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस इंक्लूड रहते हैं, और ये कहता है 100 pathogen के डिजीज़ को ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर कोज कर सकती हैं। हाउस फ्लाई हेलमिंथिस एग, प्रोटोजोआसिस, ट्रोफोजोइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस सभी को मैकेनिकली ट्रांसमिट कर सकती हैं, और बाय कंटेमिनेटिंग फूड एंड वाटर। मस्का डोमेस्टिका ह्यूमन के बिल्कुल क्लोज है, डोमेस्टिक एनिमल के बिल्कुल क्लोज है, और इसके अलावा कहता है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, फूड कैटरिंग है, फूड मार्केट है, फिश मार्केट है, स्लॉटर हाउस, जहाँ पर फिल्थ जो है वो ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर फ्लाइज जो हैं वो क्लोजली लिव करती हैं। दे लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पीपल। हाउस फ्लाई जनरली अनवेलकम, क्योंकि उसकी जो न्यूसेंस हैं जो करती हैं या जो डिजीज़ फैलाती हैं पैट्स में, ह्यूमन में, इसलिए उनको हमेशा अनवेलकम ही किया जाता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो हाउस फ्लाई की है वो होग या पिग फॉर्म जिसको बोल देते हैं, और पोल्ट्री फॉर्म, हॉर्स, टेबल, रेंचेस के में ज़्यादा मिलते हैं। एक्सेसिव फ्लाई पॉपुलेशन आर नॉट ओनली इरिटेंट टू फार्म वर्कर, मतलब कि किसी के लिए भी जो है वो वेलकम नहीं होती है हाउस फ्लाई को, हमेशा हर कोई उसको अवॉइड ही करता है कि ना हो, और कहता है ये इरिटेशन कॉज करती है जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और अगर वो पॉपुलेशन ह्यूमन हैबिटेशन के चारों तरफ हो जाए तो क्या होगा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा इरिटेंट हो जाता है, क्योंकि उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम जो हैं वो हाउस फ्लाई के इन्फेस्टेशन से होती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग है, डिसेंट्रीज हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं। रेगुलर क्लीनिंग जो है वो हाउस फ्लाई के जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको कम कर सकती है, ठीक है, हम एकदम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम किया जा सकता है हाउस फ्लाई के ब्रीडिंग ग्राउंड को, जिसके कारण जो इन्फेस्टेशन है वो कम हो सकता है। हाउस फ्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज। प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है कि ब्रीडिंग को प्रिवेंट किया जाए। हाउस फ्लाई की एंट्रेंस जो है घर के अंदर रोकी जाए, लेकिन फिर भी अगर होती है तो उसको कंट्रोल करना होता है, तो प्रॉपर और क्विक डिस्पोजल होना चाहिए मैन्योर का, गार्बेजेस का। प्रीमिसेस को, जो भी आपका रहने की जगह है, जो एरिया है, ग्राउंड है, उसको क्लीन रखें, किसी तरह का मटेरियल जो है एक्युमुलेट ना होने दें।
एक्युमुलेटेड मेन्योर जो हैं या आम शुड बी आइदर कवर्ड और स्प्रेड इन लेयर टू ड्राई, उनको जो है अगर कोई फिर भी बना हुआ है तो उसको फैला दें ताकि वो सूख जाए, क्योंकि जितना ड्राई रहेगा उतनी ज़्यादा उसमें डिफॉर्मिंग होती चली जाएगी और उतनी ज़्यादा जो है वो फिल्थ फॉर्मेशन होने लग जाएगी। आउटडोर टॉयलेट जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटा जो भी सॉइल के अगर एक्सक्रीटा है तो हाउस फ्लाई जो है वहाँ पर ज़रूर आएगी और इन्फेक्शन को ले जाएगी, तो उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो उसको सॉइल से कवर्ड कर, एक्सपोज नहीं रहने देना चाहिए। केमिकल ट्रीटमेंट, ब्रीडिंग ग्राउंड का केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, डिसइंफेक्टेंट लाइक लाइम, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, क्रूड ऑयल, फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ कर सकते हैं। और कहता है ब्रीडिंग ग्राउंड में उनको स्प्रिंकल्ड कर दें जिसके कारण एग लेइंग जो है वो रुक सकती है। एडिबल्स को जो है वो कवर करके रखें, उनके ऊपर फ्लाइज को सीटिंग ना अलाउ करें, ताकि कवर्ड होगा तो सीटिंग नहीं होगी। अगर फिर भी ऐसा हो गया कि खाने की चीज़ें जो हैं वहाँ पर जो हैं फ्लाइज आ गई हैं तो उस खाने को ना तो खरीदें ना ही खाएं। एडल्ट को डिस्ट्रक्ट करें, जैसे मैंने वो फ्लाई स्वेटर्स आते हैं प्लास्टिक के, उनसे जो है उनको ख़त्म कर दें मैनुअली। बेटिंग बाय फॉर्मेलिन और स्वीटेंड मिल्क, इन्हें सोसर की मिल्क और फॉर्मेलिन मिला दें जिसके कारण फ्लाइज जो हैं उसको ले लेंगे, या फर्मेंटेड बनाना और मिल्क या चीज़ और शुगर से बेट जो है वो बना सकते हैं, जो कि अडल्ट्स को जो है ख़त्म कर सकती हैं। 5% DDT, मेलाथियोन, डाइजियोन, 2% लिंडेन और क्लोरोडेन जो है वो एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जा सकते हैं। बायोलॉजिकली बोलते हैं बहुत सारे नेचुरल एनिमीज होते हैं, जैसे एंटोमिक पैथोजेनिक फंजाई, निमेटोड्स, फायर एंट, प्रीडेटर, बीटल्स, माइट्स, ये बर्ड्स एक्सेट्रा, जो बायोलॉजिकली नेचुरली जो हैं फ्लाइज को ख़त्म कर देते हैं। यूज़ ऑफ MDSGHV जो कि हाउस फ्लाई स्लाइवरी ग्लैंड हाइपरट्रॉफी वायरस रहता है, ये बोथ सेक्स जो है उनको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन रेट जो है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होती हैं, जो यंग फ्लाइज हैं वो फीमेल में डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि जो योक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, हेक्सामेनिन प्रोडक्शन है, वो इनहिबिट हो जाता है, और जिसके कारण जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जो है नहीं हो पाता। और लाइफ को भी अगर लाइफ स्पेन को भी अगर कंपेयर करते हैं तो हेल्दी फ्लाई से जो इन्फेक्टेड फ्लाई का लाइफ स्पेन जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इन्फेक्टेड फ्लाई जो होती हैं उनका लाइफ स्पेन कम हो जाता है, जिसके कारण उनकी रेट ऑफ सक्सेसफुल मेटिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लार्वी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय फीडिंग बेसिलस थ्यूरिंजेंसी ऑफ टू कैटल एंड चिकन ब्रीडिंग साइट इन ए मैनर फॉर रिलीज एंडोटॉक्सिन, की इस तरह से डाल देते हैं जिसके कारण जो ब्रीडिंग साइट है वहाँ पर एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है और हाउस फ्लाई के लार्वी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एसेंशियल ऑयल प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है और केमिकल प्रोडक्ट हो सकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि एज ए रेपेलेंट, एज ए अट्रैक्टेंट जो है वो वर्क कर सकते हैं और उनको मैन्युअली जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मेंथोल जो है, लाइमोनिन है, ये यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव टॉक्सिसिटी टू अडल्ट हाउस फ्लाई। इसके अलावा टेरोमेलिड जो पैरासिटोइड्स हैं वो हाउस फ्लाई को खाते हैं एट प्यूपल स्टेज में, वो बहुत ही स्टेबल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है हाउस फ्लाई की पॉपुलेशन में।